बारामुल्ला के जो जवान है और जो नूरबाग सोसाइटी है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों की बहुत मदद की है, उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। दूसरा ये, मैंने अभी डीसी साहब से भी बात की, हम और भी बात करेंगे। एक तो यहाँ डी कंजेशन करने की ज़रूरत है, अगर एक घर में चार फैमिलीज़ है तो दो फैमिलीज़ को वहाँ से निकाल के कहीं मुतबादिल ज़मीन देने की ज़रूरत है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे अगर ऐसा नहीं होता तो आगे खुदा ना खास्ता इसका इस किस्म का और सानिया हो सकता है। दूसरे ये गरीब लोग हैं, लोन लिए हुए हैं इन्होंने, और उनकी तनख्वाह जो है ज़्यादा लोन अदा करने में जाती है, तो उसके बारे में भी हम सरकार से बात करेंगे कि इनके लोन के ऊपर कोई नज़रसानी हो जाए। और तीसरा ये कि जितनी जल्दी हो सके टिन शीट्स लकड़ी का इंतज़ाम हो, ताकि सर्दियां आने से पहले ये अपने मकान बना सके। और मैं जो हमारे कश्मीर में जो अमीर लोग हैं, जो जिनके पास अल्लाह ताला ने बख्शिश की हुई है, उनके पास पैसा है, हम उनसे गुजारिश करेंगे यहाँ की जो नूरबाग की जो सिविल सोसाइटी है उनके अकाउंट में पैसा डाल के इन लोगों की मदद करें, ताकि इनकी शादी थी किसी के, उस बेचारी का सब कुछ जल गया है, बची है वो, और बाकी लोगों का कुछ भी नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से जान बचा के निकले हैं, तो इन लोगों की मदद होनी चाहिए। मैडम, अभी कुछ देर पहले सोपोर में अटैक हुआ जिसमें दो पुलिस के जवान शहीद हो गए और सिविलियन दो जवान, क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, हम तो ऐसे अटैक्स को हम कंडम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, ना तो वो दिल्ली की बंदूक से होगा, ना हमारे यहाँ जो जवानों ने बंदूक उठाई है उससे होगा। इससे मसला और बिगड़ता है, इससे जम्मू कश्मीर के लोग बदनाम हो जाते हैं दहशतगर्दी के नाम पे, फिर और ज़्यादा यहाँ जो है ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझती हूँ हर मसले का हल बातचीत है, इफ़ाम व तहफ़ीक। दिग्विजय सिंह हैज सेड दैट इफ कांग्रेस कम्स टू पावर दे विल रिकंसीडर द डिसीजन ऑफ आर्टिकल अबॉर्टिंग आर्टिकल 377। मैंने अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं सुना, तो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर।